हेलो एवरीवन, आपका मेरा चैनल स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरा लाइव वीडियो है, इसमें हम बताएंगे कि एमएक्स एक्सेल का बेसिक फंक्शन बताएंगे, एमएक्स एक्सेल क्या होता है, कैसे ओपन होता है, इस सब चीज़ के बारे में बताएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएक्स एक्सेल। टुडे डिस्कस अबाउट दी बेसिक फंक्शन ऑफ एमएक्स एक्सेल। जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि एमएक्स एक्सेल ओपन कैसे होता है। तो ओपन होने का इसमें हम लोग पास ये नोट्स है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इसे हम लोग तीन तरह से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट जाना है, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट पर जाना है या सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक सर और इंटर दबाना है, उसके बाद खुल जाएगा। हम लोग यहाँ पर न्यू पेज लेंगे, न्यू न्यू पर क्लिक करना है, न्यू पेज। ये हम लोग का एमएक्स एक्सेल का वर्कशीट ओपन हो जाएगा। ये टोटल को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। दूसरा तरीका है स्टार्ट प्लस आर का वो करेंगे, कीबोर्ड से हम लोग विंडोज बटन प्लस आर का करने पर रन बटन ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स में हम लोग को टैप करना है एक्सेल। एक्सेल टैप करने के बाद एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था एक्सेल ओपन करने का। तीसरा तरीका है हम लोग को नोट्स में फिर से देखना है। नोट्स में देखे, गो टू सर्च बॉक्स एंड टाइप एक्सेल। तीसरा ऑप्शन है सर्च कीजिए, सर्च बॉक्स में जाना है एक्सेल, डायरेक्ट हम लोग एक्सेल पर आ गए। ठीक, एक्सेल खुला, यहाँ ओपन करना है, न्यू बॉक्स आ गया। अब जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। किसी चीज़ के एक्सेल में जितना भी वर्क होता है, टेबल एक क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इज ए सेमी अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर। इसमें वर्जन होता है माइक्रोसॉफ्ट 2007 अगर है, तो उस फाइल को सेव करने के लिए हम लोग को .xls इसका एक्सटेंशन है, जो आगे चल के बताएंगे। एक्सटेंशन नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 2010 उसका है .xlx। ये एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये हम लोग जान गए कैसे ओपन होता है। 3 मीटर से ओपन होता है टोटल रोज की एक्सेल में। तो ये देख रहे हैं डेटा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन एमएक्स एक्सेल 10 कितना होता है, ये भी देख पाएंगे। लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, XFD। लास्ट सेल एड्रेस नेम क्या होता है, XFD 1048576। इसमें एमएक्स ओपन ओपन कीजिएगा तो आप लोग को 3 सीट, जो आगे चल के बता, 3 सीट डिफॉल्ट ओपन होता है। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग एमएक्स एक्सेल पर जाते हैं। वर्कशीट यहाँ एमएक्स एक्सेल पर गए,
रो और कॉलम से मिलकर सेल तैयार होता है। इस पर क्लिक करके हम लोग लेफ्ट की ओर ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग डेटा, अधिकतर हम लोग डेटा नंबर बेस्ड ही करते हैं, और जिस सेल में हम काम करते हैं उस सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं। ये फार्मूला बार है, इस बॉक्स टाइप जो दिख रहा है उसे हम लोग फार्मूला बार कहते हैं। ये टोटल को स्प्रेडशीट या वर्कशीट बुक बोलते हैं। आप अगर दूसरा शीट बढ़ाना चाहते हैं तो शीट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऐड का न्यू शीट। ये आ गया। रो की संख्या कितनी होती है? 104 8 5 7 6। कॉलम कंट्रोल प्लस लास्ट, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कीजिएगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो तो आप लास्ट में जा सकते हैं। देखिए इसका लास्ट रो, लास्ट कॉलम का नाम क्या है? XFT। क्या है? XFD। देख पा रहे हैं लास्ट कॉलम के साथ डाउन एरो को प्रेस करने पर हम लोग लास्ट कॉलम के पास, लास्ट रो के डिजिट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो यहाँ पर है। तो रो और कॉलम हम लोग देख लिए। इसी तरह कंट्रोल, अगर ऊपर जाना है सबसे फर्स्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस अप बटन, तो हम लोग सबसे ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए सेल एड्रेस, सेल एड्रेस किसे कहते हैं? ये जो सेल है सेल का एड्रेस होगा। कैसे एड्रेस फाइंड होता है? देखिए इस सेल का एड्रेस है E4। ई जो है ये रो, ई है जो कॉलम हो गया, और रो क्या है? 4। तो इस तरह आगे कॉलम का नेम होता है उसके बाद रो होता है, तो E4 हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर इस सेल का बताना है तो क्या बताइए, बताइए कमेंट में आप लोग। C4 क्या बोलेंगे? C4 समझ गए? अगर हम लोग इसी तरह बोला जाए कि लास्ट कॉलम और लास्ट रो का बताइए, तो लास्ट रो और लास्ट कॉलम को क्या हो सकता है? XFD हम लोग पढ़े थे जो इसमें कॉलम का नेम था, और रो का कितना था? लास्ट रो का नेम क्या था? तो 104 8 5 7 6। तो ये लास्ट रो और कॉलम का, सबसे लास्ट रो और कॉलम का सेल का एड्रेस हो गया। तो इस तरह हम लोग सेल का एड्रेस पता कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 सीट पाए जाते हैं, जैसे एक 1 सीट दिख रहा है उसी तरह बाय डिफॉल्ट 3 सीट पाए जाते हैं। ठीक, न्यू सीट के लिए ऐड के पास क्लिक करना होगा। तो आप लोग जान गए कि सेल सेल कैसे हम लोग करते हैं, रो कॉलम सेल क्या होता है। अगर ये बॉक्स से बाहर जा रहा है, ये हम लोग को देख रहे हैं लिख रहे हैं, तो ये दूसरा दूसरा बॉक्स सेल में चला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही माउस जाएगा आप इसको फैला सकते हैं। जैसे ही माउस जाएगा इस तरह का एरो आएगा, उसको बस इस तरह डिस्टेंस कर देना है, ये टोटल आ जाएगा। अरे देखिए ये जो है सो ये स्टार्टिंग से इसमें बीच में नहीं है, तो इसको हम लोग अगर ये बाहर हो जा रहा है लिखने पर, ये देख रहे हैं कि हम लोग लिख रहे हैं तो एक सेल से दूसरा सेल में दिख रहा है, तो
तो इसको हम लोग एक सेल में ही कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, एक में ही करने के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। इस वो सेल को हम लोग सेलेक्ट किया, उसके बाद इसे ये जो ब्रैप टेक्स्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है ब्रैप टेक्स्ट, इसको ब्रैप टेक्स्ट कर देते हैं। मतलब ये जितना है वो एक सेल में कवर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग ब्रैप टेक्स्ट कर अपना जो सेल से बाहर जा रहा था, जो लिखा हुआ चीज सेल से बाहर जा रहा था, उसको हम लोग ब्रैप टेस्ट की मदद से अपना एक सेल में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका हम लोग इस बॉक्स को हम लोग इस सिलेक्ट है, इसमें हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं, 26, 31, 12, 10, इस तरह साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। बोल्ड बी पर जाकर क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये जो पतला दिख रहा था वो हल्का बिग साइज में दिखेगा, इटालिक हल्का इस टाइप का दिखेगा। ये फॉन्ट साइज अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग चेंज करते हैं इसको, फॉन्ट साइज हम लोग कैलवरी रखते हैं। अंडरलाइन करने के लिए यू पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस यू को क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो एक ये दिख रहा है ये, इस पर जाएं और क्लिक कोई भी कलर अपना पसंद का सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आपका ऑटोमेटिक जैसा कलर चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अगर ये अंडरलाइन अच्छा अंडरलाइन बोल्ड जो अभी हम लोग फंक्शन किए हैं इसको हटाना चाहते हैं, तो जैसे अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए, हट जाएगा। इटालिक हम लोग हटाना चाहते हैं तो उससे हट जाएगा, बोल्ड हटाना चाहते हो हट जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एक्सेल का। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 वीडियो देखें। तो इसी तरह हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर अगर हम लोग कट करने जाते हैं तो सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करना है, चूज कहाँ किस जगह पर करना है, डेस्कटॉप में कर...